नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री राम। मैं सागर विश्वकर्मा गोरखपुर से विश्वकर्मा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग लगातार सागर विश्वकर्मा ब्लॉग पर बने रहें, आप लोगों को निरंतर हम जानकारी देते रहते हैं और ये आप लोग के भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि आप लोग श्रम विभाग पर नहीं जा करके आप लोग CSC वाले के पास जा रहे हैं, जो आप लोग को ठग रहे हैं। कोई 500 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है। तो आप लोग बिल्कुल उनके पास न जाएं। जो भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी 100% आप लोगों को श्रम विभाग पे ही मिलेगी। आप लोग किसी के पास न जाएं, श्रम विभाग के टच में रहें, आप लोगों की पूरी जानकारी मिलती रहेंगी। तो लोग ठगी के शिकार हो सकते हैं, कृपया आप लोग सावधान रहें। और NHDC को लेकर के कहीं भी किसी के पास न जाएं। आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि 23 जून को कोई कह रहा था एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, पंजीकरण हो रहा है, CSC के पास हो रहा है पंजीकरण, श्रम विभाग से नहीं होगा, ये सब जानकारियाँ फेक हैं। तो यूट्यूब वालों से निवेदन करता हूँ कि सही जानकारी दें, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो लोग इसराइल पहुँचने के लिए बहुत सारे परिश्रम कर रहे हैं, वहाँ पे 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई बात अच्छे से लोग सुनते नहीं हैं। कोई भी सरकारी विभाग पे जाता है बंदा तो उसकी बात ही नहीं सुनते हैं। साफ साफ कहना चाहते हैं, जो भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी श्रम विभाग पे ही मिलेगी। साफ सुथरा बात करिए, श्रम विभाग के टच में रहिए, आप लोगों को वहीं से जानकारी मिलेगी। और भाई साहब, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग जिस कंपनी में आए हुए हैं, सारी फैसिलिटी एक नंबर की है, काम भी अच्छे से हो रहा है। सैलरी की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेसी है। सैलरी नहीं बता सकता हूँ कितना हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग अभी नए नए आए हैं तो अभी काम ही चल रहा है। शुरू शुरू में आप लोगों का 10 घंटे का ड्यूटी चलेगा, उसके बाद 12 घंटे का चलेगा। तो साथियों, आप सब देख सकते हैं कि हम लोग 6 लोग हैं, फिलहाल एक बंदा नहीं आया है, दरअसल वो बिजी है फ़ोन में, और हम ही 5 लोग हैं। आप लोगों को दिखा दें कि हम लोग बहुत अच्छे से हैं, अच्छी खासी व्यवस्थाएं दी गई हैं हमारे कंपनी के माध्यम से। बाकी पीछे बड़े भैया लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी आप सब बातचीत कर सकते हैं। सब कुछ अच्छा ही है, भैया लोग भी अच्छे हैं। मान लीजिए अभी बातचीत नहीं कर सकते उतना, तो जो जानकारी है वही दे सकता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें और भी दोस्तों के पास, और भी भाइयों के पास, ताकि कोई भी भाई ठगी का शिकार ना बने। आप लोगों से विनम्र निवेदन यही है कि आप लोग श्रम विभाग के टच में ही रहें, किसी के पास न जाएं। यहाँ पे हमेशा हर लोग को ठगा जा रहा है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कृपया करके आप लोग श्रम विभाग के टच में रहें। और एक नई जानकारी और मिली है, जुलाई लास्ट तक श्रम विभाग पे पहुँचने वाला है अपडेट, न्यू अपडेट। आप लोग टच में ही रहें। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किस डेट पर आएगा, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग टच में रहें श्रम विभाग पे। जो भी जानकारी मिलेगी श्रम विभाग के थ्रू ही आपको लोगों को मिलेगी। बाकी सारी कार्यालय को बंद कर दिया गया है, ITI कॉलेज को बंद कर दिया गया। आगे की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। इसके साथ साथ हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।